हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है BTTC, BitTorrent और बेबी डोजकॉइन के बारे में। दोनों कॉइन को कंपेयर करेंगे, दोनों कॉइन को देखेंगे कौन सा कॉइन बेहतर है, किसका ज़्यादा यूजेस है, किसका मतलब कितना हमें बेहतर रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में एक लाइक देके नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है वो YouTube और भी लोगों के पास पहुंचाए। तो इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिस इज इमरान हुसैन एंड यू वाचिंग क्रिप्टो केबल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा आपको लेकर चलता हूं अपना लैपटॉप का स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए बेबी डोजकॉइन का करंट प्राइस क्या चल रहा है। 0 के बाद 60 है, उसके बाद 26 है। और BTTC का करंट प्राइस क्या चल रहा है, 0 के बाद 30 है, फिर 16 है। मतलब BTTC का 0 पॉइंट के बाद जितना जीरोस है उससे डबल है बेबी डोजकॉइन का। और इसका ऑल टाइम हाई का मतलब कितना गया था बेबी डोजकॉइन का, 0 के बाद 60 है, फिर 47 गया था ऑल टाइम हाई। और BTTC का ऑल टाइम हाई 0 के बाद 30 है, फिर 23 गया था। तो दोनों कॉइन में मतलब ऑल टाइम हाई जो गया था उससे अभी कितना परसेंट दोनों कॉइन लो में चल रहे हैं। बेबी डोजकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई जितना गया था उससे 45% डाउन चल रहा है। यही जो सिचुएशन हुआ, जो मार्केट का खराब मतलब हालत हुआ, इसी में 45% वो डाउन गया है। मतलब आज तक का जो प्राइस है उसमें 45% डाउन चल रहा है बेबी डोजकॉइन। और BTTC जो है उसका ऑल टाइम हाई से अभी करेंटली 30.53% डाउन चल रहा है ऑल टाइम हाई से। तो इतना माहौल खराब होने के बाद भी BTTC कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन मेंटेन किया। तो इसके बाद हमें अगर देखें टोटल सप्लाई इसका कितना चल रहा है बेबी डोजकॉइन का, 420 क्वाड्रिलियन। और अगर BTTC का बात करें तो टोटल सप्लाई है 990 ट्रिलियन। तो बेबी डोजकॉइन का ज्यादा है, काफी ज्यादा है BTTC से। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है बेबी डोजकॉइन का, 160 क्वाड्रिलियन। और सर्कुलेटिंग सप्लाई BTTC का कितना है, 920 ट्रिलियन, जो कि बहुत कम है मतलब बेबी डोजकॉइन का मुकाबले। और होल्डर्स कितना है अभी देख सकते हैं यहाँ पे, जो बेबी डोजकॉइन का होल्डर्स करंटली है ऑलमोस्ट 15 लाख, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख। और अगर हम BTTC का होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1,23,000 है। लेकिन BTTC का जो प्राइस है, जितना सर्कुलेशन सप्लाई है, उन सब का सबको अगर मिला के देखे तो बेबी डोजकॉइन का इतना होल्डर्स होने के बाद भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बेबी डोजकॉइन का देखिए आप बहुत ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई है और उसका जो प्राइस जो है वो भी काफी ज्यादा लो है BTTC का मुकाबले। तो इसके लिए अगर होल्डर्स कम हो तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस कम है तो होल्डर्स ज्यादा है। तो और वो होल्डर्स कब तक रहेंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन BTTC का एक प्लस पॉइंट है क्योंकि उसका यूजर्स काफी स्ट्रांग है, इसीलिए जो होल्डर्स है वो बहुत लंबे टाइम तक इसको होल्ड करके हुए रखेंगे। इसीलिए BTTC और बेबी डोजकॉइन का होल्डर्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं समान ही है, हाँ काफी डिफरेंस है, लेकिन अगर होल्डर्स और सर्कुलेटिंग सप्लाई और प्राइस देखें तो मतलब इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, तो बेबी डोजकॉइन का प्राइस कब इंक्रीज होगा, फिर बात करेंगे BTTC का प्राइस कब इंक्रीज होगा। बेबी डोजकॉइन का प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई, जितना कॉइन मतलब सप्लाई चेन से जितना कॉइन डिक्रीज होता जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे देखा टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 160, अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 160 क्वाड्रिलियन, यहाँ से जितना कम जाएगा मतलब जितना कमती होगा कॉइन, जितना बर्न होगा उतना ज्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा। और बर्न किस हिसाब से हो रहा है बेबी डोजकॉइन का, हर ट्रांजेक्शन पे वो लोग 5% बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसका बात करें हम BTTC का डिक्रीज इन सप्लाई, तो BTTC का अभी करंटली जो BTTC न्यू जो है, आप सबको पता है BTTC माइग्रेट हुआ है, पहले BTT था उसको माइग्रेट होकर BTTC बना। तो जो स्वैप हुआ, तो स्वैप होने के बाद जो पुराना ओल्ड BTT जो है उसको अभी करंटली वो लोग बर्न कर रहे हैं। अभी 60% ऑलमोस्ट बर्न कर चुके हैं, तो उसको अगर बर्न नहीं करेंगे तो नया जो सप्लाई है उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए पहले उसको बर्न करना जरूरी है, इसीलिए पहले उन सबको बर्न कर रहे हैं, फिर नया जो BTTC है उसको बर्न करने में आएंगे जो मतलब इसका जो डेवलपर्स है। तो BTT को ओल्ड BTT को बर्न करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यह भी ध्यान रखिए इसका इतना ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं है मतलब BTT का मुकाबले, बेबी डोजकॉइन का मुकाबले। इसीलिए अगर पुराना कॉइन बर्न होके फिर वो नया कॉइन में बर्न मतलब बर्निंग में लग जाए तब भी बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत जल्दी पुराना कॉइन जो है उसको बर्न करना खत्म कर देंगे, नया कॉइन का बर्निंग में लग जाएंगे ये लोग। तो अगर हम यूजर्स का बात करें बेबी डोजकॉइन का यूजर्स, तो बेबी डोजकॉइन पेमेंट इंटीग्रेशन में काम आ रहा है, NFT उसने लॉन्च किया है, मेटावर्स में वो एंटर कर रहा है। और अगर हम मतलब BTT का अगर हम उसका यूजर्स बात करें, तो BTT का सबसे बड़ा जो यूजर्स है कि वो लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड P2P फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो करेंटली आप जैसे कोई भी कॉइन जो है वो किसी बंदे को भेज रहे बिना किसी थर्ड पार्टी का एंट्री लिए हुए, आप किसी का डायरेक्ट एड्रेस में भेज रहे, वैसे ही आप मतलब कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो या कुछ भी मतलब BTT का मदद से किसी का भी एड्रेस में भेज सकते। तो उसका मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड पी
P2P फाइल शेयरिंग, मतलब बिना किसी मतलब सेंट्रल पार्टी का मतलब हेल्प लिया डायरेक्ट सेंड, जैसे क्रिप्टो सेंड कर रहे वैसे। तो अभी अगर हम लिस्टिंग का बात करें तो बेबी डोजकॉइन इतना खासा मतलब एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं हुआ है, बाइनेंस वगैरह और बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना बाकी है बेबी डोजकॉइन का। और अगर हम BTTC का बात करें तो BTTC बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है। अभी हम अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कब इंक्रीज होगा, अगर बेबी डोजकॉइन का बात करें, जब व्हेल्स एंटर करेंगे या हाइप बढ़ेगा उसका या फेमस होगा, तभी उसमें मतलब ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड होगा, क्योंकि होल्डर्स आएंगे और भी, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और भी इंक्रीज होगा। और BTT जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कब होगा, उसमें भी सेम, उसका होल्डर्स जितना इंक्रीज होते जाएंगे उतना आगे इसका मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बाई बेबी डोजकॉइन जो कि है OKX है, OKX से आप बाई कर सकते हैं। वो कैसे बाई करना है उसका अलग से मेरा वीडियो है, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकेंगे। और अगर हम आप बेबी डोजकॉइन को अगर आप BTT को बाई करना चाहें तो BTT करंटली बाइनेंस पे भी है, वोजरेक्स पे भी है, अच्छा खासा एक्सचेंज पे, कहीं से भी आप जाके बाई कर सकते हैं। और अभी अगर हम कंपेयर करें BTT का वेबसाइट और मतलब बेबी डोजकॉइन का वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेबी डोजकॉइन का वेबसाइट पे काफी ज्यादा उन लोगों ने हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कि एक तरीके से ही है, क्योंकि बेबी डोजकॉइन जो है वो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी ट्रेंडिंग कॉइन है। तो बेबी डोजकॉइन अच्छा खासा एक मतलब उसने सोशल बेस जो होता है वो बना चुके हैं, उसका इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह अच्छा खासा फॉलोअर है बेबी डोजकॉइन का। और BTT का इतना ज्यादा फॉलोअर नहीं है, इतना ज्यादा उसका हाइप नहीं है, लेकिन बनेगा आने वाले टाइम में, जब उसका यूजर्स स्ट्रांग होगा तब हाइप बनेगा। तो BTT पे क्यों इतना ज्यादा होल्डर नहीं है, क्योंकि बेबी डोजकॉइन का मुकाबले उसका प्राइस काफी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए BTT पे इतना ज्यादा मतलब लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आके सबसे सस्ता कॉइन जो है बेबी डोजकॉइन देखते हैं उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन बाद आपको BTT में भी अच्छा खासा एक मतलब सोशल बेस उन लोगों को बनाते हुए आप देखेंगे। तो BTT का मतलब यहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद आप अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेना, जो कि आपको एक फेयर नॉलेज मिल जाएगा कि BTT क्या कर रहा है। और बेबी डोजकॉइन का वेबसाइट पे भी जाने के बाद मैंने कल का एक वीडियो बनाया था बेबी डोजकॉइन का, मतलब पूरा उसका रिसर्च एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने बताया था बेबी डोजकॉइन का वेबसाइट पे आपको क्या क्या मिल सकता है, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो यहाँ पे मतलब इनका जो मतलब यहाँ पे देखिए आप बेबी डोजकॉइन का ऑटो बर्न का भी यहाँ पे है, एडेड ऑटो रिफ्लेक्शन का भी है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बेबी डोजकॉइन अपना कार्ड ला रहा है, जो कि मैंने वीडियो में बताया है ये कार्ड से क्या होता है, आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन का पे लिंक है। तो ये काफ़ी सही मतलब इसका बेबी डोजकॉइन का कार्ड आ रहा है, तो ये काफ़ी सही न्यूज़ है। तो इसके बाद अगर हम बेबी डोजकॉइन और BTT का मतलब ट्विटर को मतलब कंपेयर करें, तो बेबी डोजकॉइन का काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, जो कि 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पे। और अगर हम BTT का बात करें तो BTT का आप देख सकेंगे यहाँ पे 638K मतलब 638,000 फॉलोअर है BTT का। तो मतलब ये है, सही है, मतलब इसका इतना ज़्यादा हाइप नहीं है और ये इतना ज़्यादा अभी उभर के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक ओल्ड BTT जो है वो बर्न जब तक नहीं होगा, तब तक न्यू BTC में अगर बर्निंग स्टार्ट नहीं होगा तो इसका हाइप नहीं बनेगा, क्योंकि लोग अभी जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो हमेशा बर्निंग ही देखते हैं और यूटिलिटीज देखते हैं, और BTC का काफ़ी सही यूटिलिटी है। तो अल्टीमेटली अगर हम समरी बात करें इस वीडियो का, तो बेबी डोजकॉइन का भी इसका फ़ायदा है और BTT का भी फायदा है। BTT जो है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूजर्स है, और बेबी डोजकॉइन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल बेस है, उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसका होल्डर्स है। तो दोनों का ही अलग अलग फ़ायदा है, दोनों कॉइन को भी आप बाई कर सकते हैं अपना एनालिसिस करके, मेरा बातों से या किसी का बातों से आप इन्वेस्ट करना मत लग जाना, अपना खुद से एनालिसिस करना फिर इन्वेस्ट करना, और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना अगर आपका लूज भी हो जाए आपको फर्क ना पड़े। तो दोनों कॉइन पे आप, मेरा मानना है दोनों कॉइन पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेबी डोजकॉइन का जो काफ़ी बहुत कम प्राइस है इसका, तो आप छोटे अमाउंट में 100-150 लगाएंगे तब अच्छा खासा आपको कॉइन मिल जाएगा, और BTT में भी आप ऐसा ही मतलब 400-500 रुपये लगाएंगे तो अच्छा खासा आपको कॉइन मिल जाएगा। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, दोनों कॉइन का अलग अलग उसका बेनिफिट्स है, तो आपको जिस कॉइन अच्छा लगे तो वो कॉइन में आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गया, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल का आइकन को दबा देना, ताकि मेरा चैनल का सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो इसी के साथ करते हैं अभी का ये वीडियो खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू।